साथियों, हम लोग कहीं जाते हैं आते हैं तो संबंध जो है, अगर कोई कोई चाय ना पूछे तो बड़ा बुरा लगता है। देखिए, तो मानव जीवन में जो संबंध है चाय के, और अगर ढाबे पर चाय मिल जाए बात ही अलग है। बहुत फेमस है चाय पीने में, यहाँ आता हूँ रेनबो रामू ढाबा। ये रामू ढाबा जो है, इनकी चाय ये जॉगर्स पार्क चौराहे पर है। ये इनकी चाय बड़ी अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है, बढ़िया जो हाथ के बने कुल्लर। क्या नाम है तुम्हारा यार? क्या नाम है तुम्हारा भैया? अश्वनी नाम है। क्या क्या बढ़िया रहता है तुम्हारे ढाबे में? क्या क्या बनाते हो? चाय, समोसा, पकौड़ी। इधर भाई ये बताओ कि इसमें चाय तो बड़ी टेस्टी होती है, इसमें कौन सी पत्ती लगाते हो तुम? पत्ती बालागंज से लाते हैं। अच्छा ओके। उत्तम भाई, जो अंग्रेजों ने जो चाय की हम लोगों को आदत डाली, तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय दे गए। लगता नहीं है कि चाय सिर्फ एक डिश ना होकर कल्चर का रूप ले। बड़े बड़े जो साहित्यकार वगैरह हुआ करते थे हैं, और जो वो होटलों पे वो भी बैठा करते थे, है ना? क्या कहेंगे चाय के लिए? क्या कहेंगे उत्तम भाई चाय के लिए? क्या कहेंगे? चाय है क्या हम लोगों के जीवन में? क्या स्थान रखता है चाय का? स्थान तो हमको लगता है लाल पाले लाल सुबह के भैया, चाय के तो दिन की शुरुआत भाई देखी होती नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग मिलते हैं कहते चलो चाय पे चलते, क्यों कहते कुछ कोई और नाम क्यों नहीं निकलता? बिल्कुल, हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं और चाय आराम से मिल जाती है हर जगह। नहीं, हम नहीं, सभी लोग चाय पर किलो किसी वाने कुछ, मतलब चाय लगता है जैसे शरीर में डीएनए में हम लोग चाय आ गई है। तो चाय एक ऐसा नहीं कि हम लोग की संस्कृति में, क्या चाय जो है मात्र चाय जो है ये डिश है, और ये चाय एक संस्कृति के रूप में आ गई। अच्छा, और कुल्लर की चाय, अगर कुल्लर की चाय वो ढाबे पे मिल जाए वो उसका स्वाद, जैसे हम लोग यहाँ पे आए रामू ढाबा, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, तो इसके ढाबे में चाय और ढाबे का खाना ये अलग कल्चर ही है। ढाबे वालों का खाना उत्तम भाई, चाय या खाना बहुत। हाँ साथियों, जो है देखिए, जैसे किसी के घर जाओ उत्तम, उसने जो सब कुछ खिला दिया आपको, मिठाई, रसमलाई और दूध की वाली सब खिला दी, लेकिन जब लौटो अगर उसने चाय नहीं पूछी तो कुछ खालीपन लगता है। क्यों लगता है ये बताओ? चाय से रस्म हो गई ये बात। जैसे मतलब कुल बात निकल के आई कि चाय जो है अब वो नहीं हो गई कि चाय सिर्फ चाय हो गई। तो जैसे सुबह आम खोलो तो बहुत लोग पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते जाते हैं, चाय पी पेपर पढ़। अंग्रेज भी इतना नहीं सोच रहे होंगे कि भारतीय जिन्होंने हम लोगों जिनको हम लोगों ने चाय पी थी ये इतने नशेड़ी हो जाएंगे। लत लग गई है, लत हो गया लत चाहे। और जो हम लोग चाय के साथ इनके नौकाले भी बड़े टेस्टी हैं। देखिए साथियों, चाय के साथ ये देखिए, ऐसे देखिए ढाबे के नगपारे, ढाबे के नगपारे का अलग है, इनका रामू का। क्या नाम तुम्हारा है यार? अश्वनी। अच्छा देखिए, कभी इधर से निकलिए यहाँ से आप लोग तो जाकर पास चौराहे पर रामू का ढाबा है, जो छोटी सी ढाबा है लेकिन बड़ा जोरदार है। और एक चीज और है उत्तम भाई, ढाबे में जो है बड़े होटलों में जाओ उनका व्यवहार देखो, और यहाँ जो है पता नहीं ढाबे में अपनापन मिलता है। क्यों ऐसा अंतर क्यों, इसका क्या कारण लगेगा? प्यार से लोग खिलाते हैं असली भाई, आप प्यार से देखिए, मतलब कुल मिला के ढाबा ढाबा नहीं है, ढाबा एक प्यार हो गया।
कि ये अपनी पकौड़ी अपनी चाय में प्यार को प्यार डालते हैं, प्यार घोल देते हैं, मतलब बेसन के साथ जो है। और बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों में जो मेन उनका बनाने वाला है वो तो अंदर रहता है। वहाँ ये है बनाने वाला अंदर रहता है, आपके सामने बन रहा है, ला रहा है, बिल्कुल सामने ही बन रहा है। वहाँ मकान में न्यू कोई है, दिख मकान कुछ हो रहा है। और लेकिन यहाँ की कल्चर की बात करें, पता नहीं कैसे बनाया, क्या क्या यहाँ सामने जो है आपके सामने है। वहाँ अरे बता, कई बार घटनाएं भी आती है कि आते में ये खबरें वायरल होती हैं। लेकिन ढाबे में अगर पारदर्शिता की बात करें तो ढाबे में पारदर्शिता के साथ खाने में जो एहसास होता है, ये बताइए। हम लोग सीतापुर रोड पे गए, फौजी ढाबे में खाना खाया, तो ढाबे में आते ही एहसास अलग ही होता है। बड़े बड़े होटलों में वहाँ तो घुसते डर भी लगता है भाई, जो भाई गरीब आदमी है क्यों बताइए, फविता होटल में घुस पाएगा क्या? लेकिन ढाबे में क्या, ढाबे में कोई भी क्या होता है, तो इसलिए छोटा छोटा आदमी आके सकून बैठता है। हाँ, किसी प्रकार का उसके हेजिटेशन नहीं होता है। तो एक तरीके से कहा जाए जो हमारा देश है, जो हमारा करीब 70% ज़्यादा लोग गाँव में बसे हैं लोग हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व ये ढाबा करते हैं। क्या कहते हैं, फाइव स्टार और होटल तो कम है, नहीं वो जो भी हैं तो आपके ढाबे में उनमें है, तो ये जो ये जो 10 रुपए की चाय आपको मिल रही है, चाय लो, चाय एक और बनाओ यार, गर्म बनाओ चाय बनाए, और चाय एक निकालो, बढ़िया है, चाय बढ़िया चाय बनाओ जो है। तो चाय पर चर्चा हो रही है साथियों, यहाँ पर ढाबे का कल्चर और चाय पर चर्चा हो रही है कि जो ढाबे जो है हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो हैं। देखिए साथियों, ये चर्चा हो रही जीवन से जुड़े विषयों पर, जो हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं उनमें चर्चा करता रहता हूँ। अगर इच्छा हो तो अपने अपने घर के चैनल, आपके घर में सबके जो है दो तीन मोबाइल होते सबके घरों में, तो कम से कम ये लोग उनसे तो सब्सक्राइब खरीदे हैं। साथियों, आपके घर में किसी के घर में 3 मोबाइल से कम नहीं होते, पति पत्नी अगर एक बच्चा है तो किसके पास मोबाइल नहीं होता है, तो कम से कम भैया 3-3 लोग तो सब्सक्राइब करा दो, बड़ा आभारी रहूँगा आपका।